अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मलिक मोहम्मद अहमद। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सियालकोट से गुलाम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जो नुकसान ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया है, इतना नुकसान शायद सियासतदानों ने न पहुंचाया हो। मेरे नजरिए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने तलख जुमलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अच्छा किया है। इस मुल्क की ज्यादा तबाही ब्यूरोक्रेसी ने ही की है। जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथ धो लोगों को छोड़ दूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे रहा है। तो आपका फर्ज आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखे क्या गलत हो रहा है। मैडम उसको आराम से बात की जा सकती है, आप तो राज्य सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, गर्मियों के लिए राज्य नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, आपकी जान एक इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकत ही नहीं है ऐसी वाली जिस तरह मैडम ने आपको लगाया उससे उससे पूछते हैं, तरीका क्या ही नहीं है तुम्हारा, तुम VIP है। नौशहरा विरका से खिदर सुबहानी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा के नवाही गांव बुड्ढा गोरिया में गंदम की फसल को लगाई गई आग भड़क उठी। जमींदार ने गंदम के नाड़ को जलाने के लिए आग लगाई जो बेकाबू होगी। औरंगजेब नामी जमींदार की गंदम को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 नौशहरा विरका की टीम बरवक्त पहुंची और आग की शिद्दत को देखते हुए तीनों गाड़ियों ने 1 घंटा के ऑपरेशन में अपनी पेशावराना महारत से आग पे काबू पा लिया। टोबा टेक सिंह से आमिर नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की हिदायत पर सूबा भर की तरह टोबा टेक सिंह और इसके तहसीलों में महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनाकाद किया गया और अवामी मसाइल और शिकायत को मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी खिदमत कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि साइलिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना ओलैन तरजीह। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनाकाद से अवाम एतमाद में भी इजाफा हुआ है, जबकि तहसीलों में भी एक छत तले लोगों के मसाइल का मौका पर अजाला किया जा रहा है। लोधरा से हाजी अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा के नवाही इलाके मुल्तान रोड बहश्ती पुल चक नंबर 34M में पानी के तनाजा पर फायरिंग, 14 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक चक नंबर 34M में 8 मिनट नहरी पानी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। फायरिंग से 14 अफराद जख्मी हुए जिनकी हालत खतरे से बाहर है। जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई, जबकि 11 जख्मियों को RHC मखदूमे आला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की टीम भी मौका पर पहुंच गई, पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। करोड़पक्का से जुमा खान की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़पक्का शाजिया जहूर तहसील सदर PTI विमेन विंग करोड़पक्का में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है। मेरी इंतजामिया से ये दरख्वास्त है कि जहां पर चीनी और आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं, एक स्टॉल की बजाय 3-4 स्टॉल्स लगाने चाहिए और इससे गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी। जो मजदूर काम काज करके चीनी और आटा लेने आते हैं, सारा दिन लाइन में लगने से परेशानी होती है। यौम सहाफत के आलमी दिन के हवाले से करोड़पक्का प्रेस क्लब करोड़पक्का में खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें सहाफत का परचम सरबुलंद रखने में कुर्बानियां देने वाले सहाफियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मियां अब्दुल अजीज आसिम ने कहा कि हम आज़ादी सहाफत के लिए काम करने वाले तमाम सहाफियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सीनियर सहाफी एस जावेद बुखारी, खिदर अब्बास बलोच, जुमा खान और मोहम्मद रमजान जानी ने सहाफत के आलमी दिन के हवाले से कुर्बानियां पेश करने वाले सहाफियों को खराज तहसीन पेश किया। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 28 न्यूज़ चैनल और आने वाली नई अपडेट का इंतजार करें। ट्वेंटी एट न्यूज़ हर वक्त बर वक्त।